हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो सभी लोग। और आज मेरे स्टूडियो में हम सभी दोनों लोग बैठे हैं और काफी विचार भी विवेक भी कर रहे थे चीजों पे। आज जैसा कि सामने देखे आपको पता चल गया होगा कि एलविश यादव, जो कि आज इंडिया में काफी उसका नाम है, चर्चा है और काफी पॉपुलर क्रिएटर भी है। और रिसेंटली कल के डेट में, मतलब आज तो मॉर्निंग हो गया, 17 तारीख के डेट में उनको पुलिस हिरासत में लिया गया है और वह इस समय जेल में भी शायद बंद नहीं हुए। तो अब क्यों बंद है, क्या हुआ, क्यों बंद है, क्या रीजन, इसके पीछे सब कुछ आपको बताने इस वीडियो में देखने को मिलेगा, बताने को मिलेगा क्या कारण है, आखिर क्यों जेल में गए हैं। एक ऐसा सेलिब्रिटी बोल सकते हैं जो कि बिग बॉस में गया, वाइल्ड कार्ड एंट्री, और उसके बाद जब से वो आए तो से बुलंदियों पे जा रहे हैं। लेकिन बुलंदियों पे जाने की वजह से, मतलब उनके कुछ हेटर्स भी आ गए बहुत ज्यादा है, उसके वजह से काफी नाम भी हुआ, तो काफी नाम ऐसा भी हुआ, अलग अलग कांडों में फंसे भी। जैसे हाल ही में एक रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ मारपीट का कांड सामने आया, वीडियो भी वायरल हुई थी काफी, कि थप्पड़ मार के आए, तो एज ए सेलिब्रिटी मतलब वो शोभा नहीं देता, एक अलग इमेज आता था। कंट्रोल करनी चाहिए, ठीक है आप क्या हो, आपका जो भी है एंगर इशू थोड़ा सा था, ठीक है, इतना नेम सेम है तो आपको उस अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए। उसके बाद फिर उनका एक आया था हाल में 23 नवंबर पे, एक FIR हुआ था उनके नाम पे, उनके साथ साथ 3-4 लोगों पे और हुआ था कि रेव पार्टी में वो सब सांप की तस्करी करते हैं और जो उनका सांप अभ्यूस होता है, वो जो भी होता है ड्रग्स वगैरह उस पर जो भी बनता हो वो लोग लेते थे, तस्करी करते थे। तो ये चीजें मतलब सामने आई थी, किसी ने कंप्लेंट किया था, उसके बाद फिर उस पर जांच पड़ताल हुआ, तो जो सांप अभ्यूस था उसका लैब में दिया गया और मतलब 4-5 महीने उसमें लग गए। तो अब फिलहाल में वह हुआ कि जो वहां पर तस्करी मिला था, जो सैंपल मिला था वह लैब में गया, उसके बाद उस पर जांच पड़ताल हुआ तो पता चला वह सही था, सब कुछ जो पार्टी रियो पार्टी करते थे उसमें वही सारी मिली थी। तो अब उसके बाद पुलिस ने कल क्या कहा, उनको हिरासत में लिया, आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अभी एलविश यादव है इस समय, और सारे क्रिएटर अब तक सारे यूट्यूबर सब बवाल चल रहा है टोटल, आप देख रहे होंगे लगातार। हालांकि अभी लास्ट में मैक्सटन वाला उनका कांड हुआ था कुछ दिन पहले, कि मैक्सटन वर्सेज एलविश यादव मारपीट हुआ, उसमें आप लोग देख रहे हैं एलविश में उनके घर पे मारपीट किए हैं, तो वो सब ये देखा है। तो क्रिएटर एज ए सेलिब्रिटी ये सब शोभा नहीं देता, बट अभी जो ये वाला पार्टी, जो ये वाला कांड हुआ, इस पर मैं बात करता हूँ, तो ये भी ये मतलब रेव पार्टी जो नोएडा में वो करते थे उसी के सिलसिले में हुआ था। एलविश यादव का कहना कि सब बेबुनियाद है, कोई कुछ नहीं इसमें सत्यता कुछ नहीं, बट अगर कुछ सबूत मिला होगा तभी पुलिस ले गई है। बट एज ए यूट्यूबर मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी से आते हैं, मैं चाहता हूँ कि दिल से चाहता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, जो मतलब हम लोग को दिखाया जा रहा है कि ऐसा कुछ है, उनका भी हाथ है, सपोर्ट नहीं मिलेगा, बाकी तो सपोर्ट नहीं, गलत गलत को तो वही कानून नहीं सपोर्ट करेगा, तो हम लोग कौन है सपोर्ट करने के लिए। बट मतलब ऐसे यूट्यूब कम्युनिटी से आते हैं तो हमको देखने में पर्सनली भी लगता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, जैसे कुछ चीजें होती है, वरना इतना अच्छा है, मतलब लोगों को खाना खिलाना, फ्री में हर चीज, पानी, खाना खिलाना, तो मतलब अच्छी, उनका भंडारा वगैरह भी चलता रहता है, तो नहीं लगता कि ऐसी सारी चीजें, हाँ, और देख के भी किसी को पता चलता कि ऐसा कुछ होगा नहीं, बट अब कुछ ना कुछ सबूत मिला होगा तभी पुलिस पकड़ी है, और क्या पता उनको फंसाया भी जा रहा हो, ये सब चीजें, हाँ, अभी एक दिन उनका बीत चुका है, कल उनको हिरासत में लिया गया था, आज मॉर्निंग हो चुका, तो पुलिस भी अपना बयान दिया कि मतलब काफी रात भर चिंतित भी थे, तो कोई भी बंदा जेल में रहेगा, फर्स्ट टाइम जेल में जा रहा है तो चिंतित रहेगा ये, हाँ। और अभी अभी नहीं कि बहुत ओल्ड एज के इंसान है कि चलो ठीक, अभी हम लोग हम ऊपर है तो हम लोग समझ सकते हो सिचुएशन का, हम लोग भी क्या बीतेगी। बट मैं चाहता हूँ कि सारे यूट्यूबर आए इस पर, थोड़ा देखे क्या होता, क्या सीन होता है, सपोर्ट करें भाई को, और गलत चीजों में कोई सपोर्ट नहीं करता है, मैक्सिकन वाले में मुझे भी लगा था कि शायद वो गलत था, और उसके बाद मुनव्वर फारूकी से उनका हाथ मिलाना, उनका थोड़ा सा हुआ सब, मुझे भी वो गलत लगा था। उसके बाद फिर उनका जो रेस्टोरेंट में जाके मारपीट करना, वो भी मुझे गलत लगा था, क्योंकि आप सेलिब्रिटी हो, आम इंसान नहीं हो, क्योंकि आम इंसान एक थप्पड़ किसी को मारेगा तो वो बच्चा कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप मारोगे तो भाई वो फैल जाएगा, पसंद भी करते हैं तो वो आपको हेट भी कर सकते हैं, आपकी छोटी किसी गलती की वजह से वो सारा आपका जो नेम, तो उन सब चीजों को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। आप हिंदूवादी हो, हिंदू का चोला पहने रहते हो, मैं हिंदूवादी, हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हो, सब कुछ करते हो, उसके बाद आप अगर मुनव्वर फारूकी जैसे लोग हैं जो कि हिंदू देवताओं को गाली देते हैं, तो उनका सपोर्ट आप किसी भी तरह करोगे, मतलब चैरिटी मच रहे या कोई मच रहे, उसके विरोध हम रहेंगे। लेकिन अगर ये वाला कांड हुआ तो हम चाहते हैं, अभी तो हम लोग को कुछ उतना पता नहीं, बट जैसा कि मैं पर्सनली आपको जानता हूँ, देखा हूँ सब कुछ, तो इस वजह से मुझे, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपके साथ, वी स्टैंड एलविश यादव, और मैं सपोर्ट करूंगा, मैं चाहूंगा मतलब कि भाई बच जाए, कोई दिक्कत ना हो,
बाकी जो भी कुछ होगा वो तो कानून के हाथ में, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जस्टिस में अगर कुछ नहीं हुआ रहेगा तो बच जाओगे, कुछ हो रहेगा तो फंसोगे ही। बाकी तो आप लोगों को क्या कमेंट है, क्या बात है, क्या लगता है आप लोग जरूर एक बार, हमारे जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं क्या लगता है कि आयुष यादव की गलती है या नहीं, आप लोग कमेंट करना। आपके ऊपर मैं छोड़ा हूँ।